टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। जैसे कि आपको पता ही है, अगर यू हैव मोर देन वन रेजिस्टेंस देन इट इज़ द फॉर्मूला, क्लियर। अगर आपके पास थ्री होंगे देन आर थ्री तक जाएगी वैल्यू, अगर आपके पास फोर रेजिस्टेंस होंगे तो यहाँ पे आर फोर लिख देंगे। तो सिंपली सा रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का फॉर्मूला है कि यू हैव टू सम ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस। सॉरी, सो लेट मी रीड द स्टेटमेंट फॉर यू। थ्री रेजिस्टर्स ऑफ 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तीन रेजिस्टेंस हैं, सॉल्यूशन मैं साथ साथ ही लिखूंगी। एंड मैं आपको भी ये सुजेस्ट करूंगी कि जब स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी होगी इस तरह से, तो यू विल स्टार्ट राइटिंग द कीवर्ड्स लाइक दिस साइड बाय साइड, जस्ट टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द न्यूमेरिकल। टू मेक इट सिंपल राइट, एवरीथिंग कम्स इन बिटवीन। सो यहाँ तक मैंने स्टेटमेंट को रीड करा और मैंने लिख लिया सीरीज़ में लगना है, ठीक है। सीरीज़ में लगना है मतलब हमें इनको करना है प्लस। नेक्स्ट है 12 वोल्ट पावर सप्लाई। अब ये किसका सिंबल होता है? वोल्टेज का। तो 12 वोल्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे आ गया वी, क्लियर। अब इसके बाद चलेंगे कैलकुलेट। कैलकुलेट हमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेट देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस बोला है तो ये हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, कंबाइंड मतलब टोटल रेजिस्टेंस। तो क्या करेंगे, आर वन, ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए, आर वन 10 प्लस 15, तो ये कितना आ गया 30, ये आ गया 30। अब 30 के साथ क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा रेजिस्टेंस का। यहाँ तक स्टेटमेंट रीड करी थी, अब आगे करेंगे द करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट। कैलकुलेट दोबारा से पढ़ेंगे, कैलकुलेट देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने कंबाइन कर दिया है। द करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट, अब क्या फाइंड करना है हमें, करंट आगे ला लेंगे क्वेश्चन मार्क, क्लियर। अब हमें कोई फॉर्मूला ऐसा होगा जिसमें आई वी और आर यूज़ हो रहे हैं। यस, वो फॉर्मूला है वी इक्वल्स टू आई आर। अब क्या करेंगे, वी की वैल्यू कितनी है 12, आई की वैल्यू हमें नहीं पता, आर की वैल्यू कितनी है 30। तो ये आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/30, क्लियर। ये है 12/30 और हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 2/5। देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.4, और हम ये करंट सॉल्व कर रहे हैं तो किसका यूनिट आ जाएगा, ए, दैट इज़ करंट का यूनिट। तो हमने स्टेटमेंट को यहाँ तक रीड कर लिया था, आगे स्टार्ट करेंगे रीड करना, फिर कैलकुलेट से शुरू करेंगे क्योंकि कैलकुलेट